हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट। मैं प्रवास, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑफिशियल बुक लॉन्च ट्रेलर ऑफ अथर्वा द ओरिजिन। इससे पहले रिदान इसके बारे में डिटेल में बात कर चुका है, इसके मोशन पोस्टर पे वो रिएक्ट कर चुका है, पर आज देखते हैं कि इस ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या अलग हमें इसके बारे में पता चलेगा, या फिर प्री ऑर्डर के बारे में कुछ और डिटेल में बताएंगे इस ट्रेलर पे। सो गाइस, बिना किए आपको बोर, चलिए रिएक्ट करते हैं। Have always been an integral part of our lives. And what if we can elevate storytelling to the next level? In this book, we have created real-life graphic images to enhance the story. Be it the magical land, interesting characters, mysterious creatures. It's all in. Get ready to experience Atharva, the new age graphic novel. Atharva. Whoa! क्या graphics है guys? ये कोई golden suit है Atharva का, I guess. जी हाँ, graphics कमाल का है guys. Whoa! इस बार हाथ में वो कुछ शॉर्ट जैसा है। ऑथर, ऑथर्स रमेश थमिलमणि। गाइस, मुझे ये बुक लॉन्च ट्रेलर मुझे काफी कमाल का लगा। इसके सबसे पहले इसमें जो दिखाया गया इसके कैरेक्टर के बारे में, ऊपर से इसका जो गोल्डन वॉरियर सूट है वो मुझे काफी पसंद आया। और सबसे बड़ी बात, मतलब प्लस पॉइंट थी इस बुक लॉन्च की, वो थी इसकी ट्रेलर की जो ग्राफिक्स। गाइस, मुझे इसकी ग्राफिक्स कमाल की लगी। मतलब हाई बजट की कोई बॉलीवुड मूवी में भी ऐसी ग्राफिक्स मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो अथर्वा जब दौड़ रहा था उसके आसपास जब वो फ्लावर्स दिखाए जा रहे थे, वो जो पेड़ पौधे दिखाए जा रहे थे, मुझे गाइस अवतार के वो पेंडोरा फॉरेस्ट था वैसा कुछ फील मुझे आया गाइस। और MS धोनी ने इस बुक के ग्राफिक नॉवल के बारे में बताया कि इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन फोटोज हैं, आर्ट वर्क हैं बहुत सारे। और गाइस, इस ट्रेलर के एंड में पता चला कि अमेज़न पे ये बुक अभी अवेलेबल हो गया है, आप चाहे तो इसे प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर से गाइस, मुझे एक और चीज मुझे पता चली है कि अथर्वा द ओरिजिन में 150 पेजेस हैं, 150 पेजेस की ये ग्राफिक नॉवल है। इसमें काफ़ी सारे आर्टवर्क आपको देखने मिलेंगे, स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है और इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जैसे एक ग्राफिक नॉवल में होनी चाहिए। और एक चीज़ गाइस मुझे पता चली है इस बुक के बारे में कि इसमें AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर आप ग्राफिक नॉवल के किसी पेज को एक पर्टिकुलर स्कैनिंग ऐप से अगर स्कैन करोगे तो इस ग्राफिक नॉवल में जो क्रिएचर्स हैं उनके 3D रोटेटिंग मॉडल को देखने को मिलेंगे। मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल फीचर है गाइस। इससे पहले मैंने कभी किसी ग्राफिक नॉवल पे ऐसा AR बेस्ड ऐप यूज होने वाला फीचर मैंने कभी नहीं देखा। मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल है। मतलब इससे क्या होगा कि ग्राफिक नॉवल की जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया होगी, बच्चों के लिए भी और अडल्ट जो है उनके लिए भी। और ये मुझे काफी पसंद आया। हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ अथर्वा द ओरिजिन और विर्जू स्टूडियोज जो इसके मेकर्स हैं, जो इस ग्राफिक नॉवल को उन्होंने बनाया है और इसे बैक कर रहे हैं धोनी एंटरटेनमेंट, इसके प्रोड्यूसर हैं। ज़्यादा कुछ इस ग्राफिक नॉवल के बारे में डिटेल में आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले की जो हमारी जो वीडियो है, रिदान जिसपे मोशन पोस्टर पे रिएक्ट कर चुका है, उसमें उसने डिटेल में बताया था कि इसके क्रिएटर कौन है, इसके ऑथर कौन है, इसे कौन से प्रोडक्शन कंपनी इसको प्रोड्यूसर है, पब्लिकेशंस कौन सी है, सब वो उसने डिटेल में बताया है। और गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 2 दिन पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने इसकी फर्स्ट एवर कॉपी को अनवील किया था, इसे प्रमोट कर रहे हैं वो। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है गाइस, मुझे काफ़ी पसंद आया कि इसके मेकर्स ने रजनीकांत सर को अप्रोच किया इसके बुक लॉन्च के लिए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रजनीकांत सर भी MS धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने कहा भी था, और MS धोनी तो रजनीकांत सर के फ़ैन है ही। और ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस के ऐसे एक ग्राफिक नॉवल को इतने बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जा रहा है। और गाइस, आप लोगों को ये भी बता दूँ, एक फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि 2015 में हमें विर्जू स्टूडियोज से अथर्वा द ओरिजिन नाम की एक टीजर देखने को मिली थी, आप लोगों को याद है या नहीं। और उसमें आप लोगों को पता है कि अथर्वा का रोल कौन करने वाला था? शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान के ऊपर अथर्वा द ओरिजिन ग्राफिक नॉवल निकलने वाली थी
वो अघोरी जो वॉरियर है उस पे पिक्चराइज होने वाली थी शाहरुख खान सर के ऊपर। फैंस के बीच में भी काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि एक बार फिर से उनके सुपरस्टार को एक नए सुपर हीरो अवतार में देखने को मिलेगा। पर उसके बाद गाइस ऐसी कोई खबर नहीं आई, कोई डेवलपमेंट, कोई अपडेट नहीं मिला विज़ू स्टूडियोज से इस ग्राफिक नॉवल के बारे में, और फैंस को लगा कि ये प्रोजेक्ट शेल्व हो गई है। पर 7 साल बाद किसे पता था कि एमएस धोनी के ऊपर ये ग्राफिक नॉवल बनेगी, किसी को अंदाजा भी नहीं था। और ये जो भी हुआ काफी अच्छा हुआ। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान सर अगर करते तो अच्छा नहीं होता, पर मैं चाहता हूँ कि ग्राफिक नॉवल इंडिया में भी फेमस हो, क्योंकि अगर वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ग्राफिक नॉवल काफी पढ़ते हैं वहाँ के लोग। जैसे काफी जाने माने ग्राफिक नॉवल है, जैसे वॉचमैन, सैंडमैन एंड वी फॉर वेंडेटा, ऐसे काफी ग्राफिक नॉवल है जो काफी सेल हुए हैं इनके कॉपीज। मैं चाहता हूँ कि ये ग्राफिक नॉवल फेमस हो। और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि रमीश थमिलमणि ने ये भी कहा था कि उनके मोशन पोस्टर को एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला फैंस की तरफ से, इंडियन ऑडियंस की तरफ से। तो सो गाइस मुझे ये बुक लॉन्च ट्रेलर काफी अच्छा लगा। इसमें हमें बुक का कवर हमें देखने को मिला कि उसके अंदर क्या क्या होगा, मतलब एक एआर बेस्ड फीचर यूज किया जा रहा है, एक सुपरस्टार इसे प्रमोट कर रहे हैं, एक फॉर्मर क्रिकेटर इस पे पिक्चराइज है, मतलब और क्या चाहिए। आप अगर धोनी के फैन हैं, अगर आप ग्राफिक नॉवल पढ़ते हैं, तो आप जाइए अमेजोन पे इस फर्स्ट एवर कॉपी को आप प्री ऑर्डर कीजिए, और कैसा लगता है वो फीडबैक बताइए। और गाइस अगर आपको ये ट्रेलर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस कंटेंट पे हम रिएक्ट कर सकते हैं। और गाइस यही था मेरा रिएक्शन, तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, बाय।